हरियाणा विधानसभा के 14वें सत्र की कार्यवाही सोमवार यानी आज से शुरू हो गई है। पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता को सर्वसम्मति से हरियाणा की 14वीं विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्ञानचंद गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया, जबकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मोहर लगाते हुए समर्थन कर दिया। इसी के साथ सर्वसम्मति से ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर चुने गए। ज्ञानचंद गुप्ता का ये सफ़र बहुत लंबा है। चंडीगढ़ के महापौर के बाद सोमवार को दोपहर बाद हरियाणा ड्रीम सीट अध्यक्ष पद पर बैठ गए। देखें क्या बोले और लोगों ने कैसे बधाई दी। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी एवं नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सदन के समस्त सदस्यगण, मुझे सर्वसम्मति से इस माननीय सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने पर मैं आज आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं तथा आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सभी दलों ने मुझ पर यह जो विश्वास व्यक्त किया है, उसकी वजह से ही मैं इस पद पर बैठकर निष्पक्ष निर्णय कर पाऊंगा। उसके लिए मैं आप सभी का व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस पद की बड़ी गरिमा है। अब से पहले जितने भी सदस्यों ने इस पद को सुशोभित किया है, उन्होंने इस पद की गरिमा बनाए रखी, इसलिए मैं भी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस पद की गरिमा को बनाए रखूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप सब मिलकर मुझे इस विषय पर ताकत दें। आप सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में कुछ नियम और कानून होते हैं। यह विधानसभा नियम कानून और परंपराओं से चलती है। नियम और कानून को यदि हम ठीक ढंग से उपयोग में ले। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।